गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। और हम आपको बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं कि हम जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो है अब डिफेंस के लिए। आज के बाद डिफेंस की जितनी आप नेवी और एयरफोर्स के लिए जो क्लासेज है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अभी हम बताएंगे आपको। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स, और फिजिक्स में क्या क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। क्योंकि एक बात होती है, हर कोई बच्चा पढ़ता है और हर कोई एग्जाम देता है। जो भी बच्चा फॉर्म भरता है वो सब सिलेक्शन लाने के लिए ही भरता है। ऐसा कोई नहीं करता कि मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए। सबको सिलेक्शन चाहिए, सबको सिलेक्शन चाहिए और सबको ज्वाइनिंग भी चाहिए, इसलिए सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एक तरीके के साथ पढ़ाई करते हैं, एक अपना मेथड फॉलो करते हैं और जो चीज पढ़नी है उनको और जो चीज आनी है एग्जाम में उसके एक तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी लोग रह जाते हैं। तो वो तरीका क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, नौकरी लेनी है और मुझे फौज में भर्ती होना है, मुझे एक अच्छी पोस्ट चाहिए, तो वो चीज करने के लिए क्या करना है, वो पूरा हम डिस्कशन करते रहेंगे बार बार। और मेरी आशा यही रहेगी कि बार बार आपको मोटिवेट करता रहूं और एक मोटिवेशन के साथ में और एनर्जी के साथ में इसकी शुरुआत करें। तो ये आपको पीछे दिख रहा होगा कि सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर ग्रुप एक्स टेक्निकल, इसको अभी छोड़ो, कौन सा सिलेबस है, क्या है, पहले आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है। आपको नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है या फिर एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप दोनों होते हैं, उसमें से किसको आपको सेलेक्ट करना है। मैं तो कहता हूं जो आप फॉर्म भरते हो तीनों भरते हो, भरते हो या नहीं भरते हो, सब लोग तीनों फॉर्म भरते हैं, चाहे आप ए का भरो, चाहे आप एसएसआर भरो, नेवी, जो भी आप फॉर्म फिल करते हो करो, लेकिन सबका आपके पास एक आउटलाइन होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है, क्या क्या मुझे पढ़ना है, कौन कौन से एग्जाम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हर एग्जाम सेम नहीं होता और किसी भी एग्जाम का सिलेबस अलग नहीं होता, ध्यान देना इस बात पे, हर एग्जाम सेम नहीं होता और किसी भी एग्जाम का सिलेबस अलग नहीं होता। क्योंकि अगर फिजिक्स की बात करते हो आप, तो फिजिक्स अगर नेवी के एग्जाम में आती है या फिजिक्स अगर आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आती है, दोनों के अंदर सिलेबस वही रहेगा, टॉपिक जो यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे आपको वही टॉपिक उसमें रहेंगे और क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, बस तरीका चेंज हो जाता है, पूछने का जो नजरिया है वो नजरिया बदल जाता है। इसलिए आपको भी आज के बाद क्या करना है, नजरिया बदलना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 10th क्लास पास करे हैं, कुछ 11th में पास करके 12th में आए हैं, या फिर कुछ लोग आप कॉलेज में भी होंगे, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप जहां भी हो, जिस भी फील्ड में या जिस भी पोजीशन पे हो अभी, उस पोजीशन पे आप अपने आप को आज के बाद जीरो पे समझना। पढ़ाई करते टाइम होता क्या है, कई बार अपने दिमाग में ये होती है कि मुझे ये सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब चीज का ज्ञाता हूं, वो चीज आपको कहीं ना कहीं मात दे देती है। तो जब भी पढ़ाई करते हो, मान लो आपका 3 महीने 6 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन स्टडी करते हैं फिर हम ये देखते हैं, चलो फिजिक्स शुरू करें, काइनेमेटिक्स आती है, मोशन गति के नियम आते हैं, वर्क कार्य और ऊर्जा जो भी है आपको पता है, तो ये मुझे नहीं पढ़ना, ये आप गलत सोचते हो। इसलिए जब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रही होगी और उन कमियों को दूर करना है, इसलिए आपको कौन सा लेवल बनाना है, जीरो। जीरो से बनना है क्या, हीरो। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो एक बार मेरी बात माननी पड़ेगी, और वो बात ये है कि आपको जहां स्टार्ट कर रहे हो वहीं से आपको शुरुआत करनी है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे जो सीखना है वो प्रॉपर सीखना है। क्योंकि जो आपका एयरफोर्स का एग्जाम होता है उसके अंदर फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो इसमें चैप्टर डिवाइड कर रखे हैं, यूनिट जिनको बोलता हूं मैं, वो यूनिट डिवाइड कर रखी है 20,
यानी 20 यूनिट में से पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 यूनिट में से 25 क्वेश्चन। तो ये मान के चल लो कि हर एक यूनिट में से कम एक एक क्वेश्चन तो आने वाला ही है। अब आप बोलोगे सर हमारे सिलेबस में तो 50-50 चैप्टर दे रखे हैं। तो दे रखे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, 50 चैप्टर किस तरीके से दे रखे हैं कि इन यूनिट को सब डिवाइड कर रखा है, वो पूरा सिलेबस अभी मैं बताऊंगा। जैसे आप बात करो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं गतिकी। अगर गतिकी की बात करते हैं तो आपने 11वीं क्लास के अंदर गतिकी पढ़ी है, और 11वीं की गतिकी के अंदर आपने पढ़ा है पहला चैप्टर आता है सरल रेखा में गति, फिर आता है द्विविमीय गति, एक आपने पढ़ा है वर्तीय गति जिसको आप घूर्णन गति भी बोलते हो। तो जितनी भी गति है वो सारी गति काइनेमेटिक्स के अंदर डाल दी है, वो काइनेमेटिक्स में डाल दी, इसलिए काइनेमेटिक्स आपकी किताब के अंदर 4 चैप्टर में डिवाइड हो रखा है, और यहां पर क्या है एक यूनिट बना रखी है। तो मतलब क्या हुआ, इन चारों चैप्टर में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इन चारों को आपको पढ़ना है, वो एक यूनिट मान के पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप मत भूलना, क्लियर है। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ते हो तो दिमाग में ये होता है पूरा सिलेबस करना है, पूरे 25 चैप्टर मुझे रटने हैं, रट्टाफिकेशन जैसे किताब लेके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते रहते हो, वो चीज कभी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन आप पूरे 25 के 25 कर दोगे तो आप तो आइडियल बन जाओगे। आइडियल बनने का मतलब ये है 25 क्वेश्चन इसमें कर दिए, 25 क्वेश्चन ही आपने गणित में कर दिए, और 20 क्वेश्चन जो अंग्रेजी में आते हैं वो भी आप 20 के 20 कर दोगे, तब तो आपके कितने में से नंबर आ गए, 70 में से 70 नंबर आ गए, जो कि आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ, 25 लाने की कोशिश जरूर रखना, आए ना आए वो अलग की बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन कोशिश उसी तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से मुझे स्टेप बाय स्टेप में वहां पे पहुंच सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता तो फिर भी मैं 25 क्वेश्चन ला रहा हूं, नहीं लाने 25 नंबर नहीं लाने, आपको उतने नंबर लाने हैं जितने से आपका सिलेक्शन हो रहा है, कम से कम वो तो आपको करने ही है। कई बार मैं अपने स्टूडेंट से सुनता हूँ कि सर मेरे फिजिक्स में 3 नंबर आए, मेरे 5 नंबर आए, तो मैं पॉइंट नंबर से रह गया या फिर 2 नंबर से रह गया, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप 25 नंबर के पीछे भागते हो, और 25 नंबर के पीछे में आपके पूरे जो 50 चैप्टर है, जो 20 यूनिट है, उसको आप पूरा रट्टा मारते हो, जो कि पूरा रट्टा मारते हैं उसके बाद आपकी पूरी की पूरी एक्यूरेसी हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने कार्नो साइकिल पढ़ रखा है, कार्नो इंजन पढ़ रखा है, और कार्नो इंजन में यही लिखा हुआ है दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन या इंजन संभव नहीं है जो आपको 100% एफिशिएंसी दे दे, दक्षता 100% नहीं हो सकती है, इसलिए आपको एक प्रॉपर प्लान फॉलो करके स्टडी करनी है। अब वो प्रॉपर प्लान क्या होगा वो भी हम धीरे धीरे बताते रहेंगे आपको। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं सिलेबस से कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। आज मैं थोड़ा सा आउटलाइन बताता हूँ आपको कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और किस तरीके से मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बोलूंगा, और जो भी आपको DPP मिलती है यानी एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस करना है और उसको आपको सबमिट भी करवाना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे लिंक जिसके ऊपर आपको सबमिट करवाना है और उसको चेक करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि आपके ऑनलाइन टेस्ट भी करवाए जाएं, इसलिए प्रॉपर गाइडेंस फॉलो कीजिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए, प्लान को बनाइए, और प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए उसी तरीके से आपको क्या करना है, फॉलो करना है और अपना वर्क करते रहना। चलिए फिजिक्स में 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो कितना पढ़े सर, उतना पढ़ो जितने आपके नंबर आ जाएं। बात आती है 4 नंबर वाले की, तो 4 नंबर वाले की बात बताता हूं कि मान लो बोलता है कि मेरे सर 4 नंबर ही आए, क्यों आए, क्योंकि तुमने 25 नंबर के लिए पढ़ाई करी, तुम्हारी एबिलिटी, मैं नहीं कहूंगा कि किसी की एबिलिटी कम होती है किसी की ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है, सबकी एबिलिटी सेम है, बस करते क्या है थोड़ा सा आप मिस्टेक कर देते हो पढ़ते टाइम, और वो पढ़ते टाइम मिस्टेक जो करते हो उसी से आपकी क्या हो जाती है, कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स आते हैं, ताकि आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं या फिर मैं पढ़ने वाला हूं। तो
25 नंबर के लिए मान लो चार नंबर आए किसी के, तो उसके तीन या चार क्वेश्चन तो गलत हो गए होंगे। अगर उसने 10-12 क्वेश्चन करे 0.55 करके उसके माइनस हो जाते हैं क्वेश्चन, पहले तो उसने कम करे, दूसरी बात क्वेश्चन माइनस हो गए तो माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, उसके नंबर कम आ जाएंगे और वो रह जाएगा। तो कोशिश ये करनी है, प्लान को पूरी तरीके से फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। फिजिक्स का सिलेबस अंग्रेजी में दिख रहा है तो पहले ही बता देता हूँ, अंग्रेजी और हिंदी की कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है। अगर किसी को अंग्रेजी में समझना है तो मैं अंग्रेजी भी यूज कर लिया करूंगा, तो समझानी ही है, हिंदी के अंदर ही होगा सब कुछ। डोंट वरी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर अंग्रेजी में लिखा है तो क्या आप अंग्रेजी में पढ़ाओगे। अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे, नोट्स भी हिंदी में बनवाएंगे, क्वेश्चन भी आपके होंगे वो किसमें होंगे, हिंदी के अंदर होंगे। तो सिलेबस आपको दिख रहा होगा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये आपका 11वीं का टॉपिक है। ये पूरे के पूरे 10 टॉपिक दे रखे हैं, वो 11वीं के हैं, इनके अंदर सब टॉपिक डिवाइड होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, भौतिक जगत, भौतिक जगत और मापन, इसके अंदर हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिक्स है क्या और इसमें मापन किस तरीके से किया जाता है, मापन की प्रणालियां कौन कौन सी होती है, त्रुटि पढ़ते हैं और त्रुटि के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जितने आए हुए हैं वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। काइनेमैटिक्स, जैसे कि मैंने बताया था, गति की, गति की क्या होता है, गति से संबंधित जो भी आपकी विज्ञान है वो हम पढ़ेंगे गति की के अंदर। और गति की के अंदर एकविमीय गति, एकविमीय जिसको आप लीनियर बोलते हो, और दूसरा आएगा द्विविमीय, द्विविमीय गति, फिर आएगा आपका त्रिविमीय के कुछ बार बन जाते हैं तो त्रिविमीय के अंदर जितना पॉसिबल होगा बता देंगे, और वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, ये सारा आपको इसके अंदर समझाएंगे। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के नियम, जो गति से संबंधित नियम थे वो सारे के सारे नियम इसके अंदर हम पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, शक्ति यानी पावर आपकी कितनी पोटेंशियल है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी, जो आपका 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 7 था जिसके अंदर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, यानी कणों का निकाय, कणों का निकाय जिसके अंदर आपने द्रव्यमान के अंदर निकाला होगा। द्रव्यमान के अंदर निकालने के बाद में उसमें आप घूर्णन गति के बारे में भी थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, उस द्रव्यमान के अंदर से किस तरीके से वो घूमता है, किस तरीके से वो गति करता है, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होगा। पूरी एक बॉडी है, जैसे मेरी बॉडी है, अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी बॉडी में पार्टिकल जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बॉडी बनी है, वो छोटे छोटे कण किस प्रकार से गति कर रहे हैं उसको दर्शाएगा कौन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आगे आता है आपका ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपका जो 10वां 11वां 12वां चैप्टर था 11वीं क्लास का, जिसके अंदर आपने पढ़ा था स्थूल पदार्थों के गुण, द्रवों के गुण, वो पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, जो कि है स्थूल पदार्थों के गुण, स्थूल पदार्थों के गुण, द्रवों के गुण, ये दो आता है। मैटर कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, तीनों में जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने पढ़ रखा है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोसों के गुण यहाँ पे आ गए, द्रव्य और गैसों में यहाँ पे आ गए, लेकिन गैसों को हम अलग तरीके से और पढ़ते हैं, जो कि आता है बाद में और वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीलेशन एंड वेव, जो कि होता है दोलन और तरंग गति, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 क्लास में जो आपने पढ़ा था दोलन क्या होता है और तरंगे क्या होती है, दोलन और तरंगे इसके अंदर आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, चैप्टर नंबर 8 बचा है थर्मोडायनामिक,
थर्मोडायनामिक क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स उष्मा गतिकी के अंदर दो चैप्टर आएंगे, जो अब की आपका 12वां और 13वां था। इसके अंदर पहले पढ़ते हैं हम उष्मा के बारे में, और उष्मा के बारे में बाद में। उष्मा के कारण जो वस्तुओं के अंदर गति होती है उसको हम बोलेंगे उष्मा गतिकी, और उसकी अध्ययन करेंगे हम इसके अंदर। इसमें उष्मा गति की जो कि आती है थर्मोडायनेमिक, और इसी में आएगा वो आपका कार्नोट साइकिल जो अभी हम बात कर रहे थे। ये तो पूरा हुआ 11वीं क्लास का चैप्टर, और इसके बाद आता है 12वीं क्लास का चैप्टर। तो 12वीं क्लास के जो भी सिलेबस था उस सिलेबस में जो जो पॉइंट बनते हैं, चैप्टर आपने 17 पढ़े होंगे 12वीं क्लास में, लेकिन उसको सेम इस सिलेबस में क्या कर रखा है, छोटे पार्टों में डिवाइड कर रखा है, और पढ़ाई वही है, कुछ अलग नहीं है। जो क्लास 11 और 12 में पढ़े थे उसी को पढ़ना है, लेकिन तरीका अलग होगा, पढ़ने का तरीका अलग होगा और पढ़ाने का तरीका अलग होगा। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने क्लास 11th में 1, 2 एंड 3, 4 चार चैप्टर जो पढ़े हैं वो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं, जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, यानी स्थिर विद्युतकी, स्थिर विद्युतकी, विद्युतकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से नाम जोड़ेंगे तो वो बन जाती है धारा विद्युत की। कौन सी विद्युत की हो जाएगी? धारा विद्युत की। यानी आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि आवेश जो है एक तो स्थिर है, आवेश स्थिर है तो उसको हम बोलेंगे स्थिर विद्युत की, अगर आवेश चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत की, और आवेश चल तो रहा है लेकिन चलने के साथ भाग रहा है, मतलब उसको त्वरण मिल गया है, एक्सीलरेशन मिल गया है, यानी त्वरित गति कर रहा है, और जब त्वरित गति करता है तब आ जाता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आ जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ में जब त्वरित गति होती है तो उससे आपका एक विकिरण निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और रेडिएशन जो आता है वो कब आता है? जब त्वरित गति होगी। तो तीन बातें हैं, कौन कौन सी? जब उसकी वेलोसिटी जीरो है, किसकी? आवेश की, तो उससे बनता है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, और स्थिर विद्युत की से क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा? विद्युत क्षेत्र। और जब वेग उसका कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ अगर उसके पास वेग है तो वेग के कारण आएगा कौन सा क्षेत्र? आएगा चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। अब डाउट आता है कि सर चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा क्या? आएगा, विद्युत क्षेत्र भी आएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। और जब इसको एक्सीलरेटेड मोशन बोलूंगा, एक्सीलरेशन, मोशन विद एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर थोड़ी देर बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर थोड़ी देर बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी वेग बढ़ता जा रहा है। अगर वेग बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होंगे। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं 12वीं की, और इन्हीं के आगे पीछे घूमता रहेगा पूरा 12th क्लास। इन तीन बिंदुओं पे 12th आधी 12वीं क्लास घूमती है। क्या क्या है? स्थिर विद्युत की, और जिसमें विद्युत क्षेत्र आता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र, और फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके अंदर 2 चैप्टर आ जाएंगे आपके, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आप एसी और डीसी मोटर वगैरह के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी एक्सीलरेशन, मोशन करेगा कौन है? चार्ज पार्टिकल। आवेश जो होता है वो त्वरण के साथ में त्वरित गति करने लग जाता है। आगे आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 बनते हैं, एक तो आता है आपका रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। इनके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको करने होते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है और आपका जो एग्जाम है उसमें ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप टिक कर सकते हो हाथों हाथ, या फिर नहीं कर सकते हो।
ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी द्वैत प्रकृति के बारे में कि पदार्थ की जो द्वैत प्रकृति होती है वो क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, पदार्थ की द्वैत प्रकृति और विकिरण। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, विकिरण, पदार्थ की द्वैत प्रकृति और विकिरण। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये भी दो चैप्टर है आपके, एक तो होता है परमाणवीय भौतिकी, एक होता है नाभिकीय भौतिकी। परमाणवीय भौतिकी और अगेन आता है नाभिकीय भौतिकी, यानी नाभिक से संबंधित बातें करेंगे, इसमें पूरा परमाणु छान मारेंगे, परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक में क्या क्या है, कौन कौन से है, फोटोन बोसोन सब कुछ, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो कि आपका एक ही चैप्टर था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन सी होती है, विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय उपकरण। विद्युतीय उपकरण और इसके बाद आगे आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी चार निकाय या संचार व्यवस्थाएं। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है कि आपको संचार करना है तो संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, भौतिक विज्ञान की मदद से हम किस तरीके से संचार उत्पन्न कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचनाओं को किस तरीके से प्रसारित कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे किसमें, कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइड है और इस डिवाइड सिलेबस में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, हर एक में से आता है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से नहीं आता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि कम इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि भौतिक विज्ञान बनाइए तो भौतिक विज्ञान पूरा जो सिलेबस है वो पूरा आपके काम का है, इसीलिए आपके सिलेबस में जोड़ा हुआ है। तो कम और ज्यादा वाला डिसाइड हम और आप नहीं कर सकते हैं, ये एग्जामिनर की कहानी है, एग्जामिनर की सोच होती है कि वो कहां से क्वेश्चन देगा, कभी इसमें से दे दिया तो कभी इसमें से ज्यादा दे दिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो हमें सोचना भी नहीं है, हमें क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने का तरीका है उसको फॉलो करना है, वो हम बार बार बताते रहेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से उसको फॉलो करना है। क्लियर है? तो अब हम शुरू करते हैं अपनी भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान में कहां कहां क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और प्रयास रहेगा हमारा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए और सारे ऑब्जेक्टिव जितने पहले पुराने आए हुए हैं वो और उनसे रिलेटेड जो आते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकें, बता सकें। क्लियर है? चलिए अब हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि है भौतिक जगत और मापन। जैसा कि आपने सिलेबस तो देख ही चुके हैं, तो हमारी जो पढ़ाई होने वाली है वो इस तरीके से होगी कि मैं यूनिट जो लिख रहा हूँ चैप्टर, वो चैप्टर अपने 20 होंगे और 20 चैप्टर को पूरा एज इट इज चलते जाएंगे। तो शुरू करते हैं भौतिक जगत, क्या होता है भौतिक जगत और क्या होती है विज्ञान, विज्ञान की कहां से उत्पत्ति हुई, किस तरीके से भौतिक जगत मिला, इसके ऊपर डिफेंस में क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बट फिर भी आपको नॉलेज रहना चाहिए कि भौतिक जगत होता क्या है, विज्ञान क्या होती है। जैसा आपने अभी देखा प्रोजेक्टर चल रहा था और प्रोजेक्टर से यहाँ पे स्लाइड आपको दिखाई दे रही थी और मैं पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था तो मेरा गला वाइब्रेट कर रहा था, आप सुन रहे थे तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, आपके सामने अभी मोबाइल है या फिर लैपटॉप जो भी है उसमें आप मुझे देख पा रहे हो, तो ये जो सब चीजें हैं इन सब चीजों का और सब घटनाओं का जो घटित होना होता है वही क्या कहलाता है, अपना भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे तारों का टिमटिमाना, सर्दी गर्मी बारिश का होना और पंखों का चलना, वो सब क्या है, भौतिक विज्ञान है। ये जितने फिनोमेना आपके पास में आपके आसपास चारों तरफ घटित होते हैं भौतिकी से रिलेटेड, वो सारे किसके देन है, भौतिक विज्ञान की देन है। तो अगर मैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान,
भौतिक जगत में, भौतिक जगत में घटित होने वाली, घटित होने वाली घटनाओं को, घटनाओं के अध्ययन को, अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या ये भौतिक विज्ञान एक बार में ही बन गया? नहीं बना। नियम बने, नियम किस तरीके से बने? देख देख के बने। नियम हमेशा याद रखना, प्रकृति नियमों के अनुसार नहीं चलती है, नियम प्रकृति के अनुसार चलते हैं। पहले प्रकृति बनी थी, प्रकृति को देख देख कर क्या बनाए गए थे? नियम बनाए गए थे। अभी हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। तो भौतिक जगत के बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा आपके काम की बातें इसमें ज्यादा आती नहीं है। विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, ये चीजें बहुत जरूरी थी जो कि हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं मापन की, और मापन के अंदर क्या है कि आपकी मापन भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, मापन किस किस तरीके से होता है, मापन की जरूरत क्यों पड़ी, मापते हम किस चीजों से हैं, और उस मापन में जो त्रुटियां आती है, क्योंकि हम क्या है, इंसान है, और इंसान की प्रवृत्ति होती है गलतियां करने की। मैं हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, आप लोग हैं, आप भी गलतियां करते हैं, हर कोई गलतियां करता है। तो गलतियां जो होती है उनको हम बोलते हैं त्रुटियां। तो मापते टाइम जो त्रुटियां होती है उन त्रुटियों पे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो होती है मापन में त्रुटियां, उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। यही सब कुछ इसके अंदर है, जिसमें अपनी मात्रक और विमाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं मापन के साथ। मापन, एक चीज और बताना चाहूंगा, पहले एक नई कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और उस कॉपी के अंदर चाहे आप पहले डिफेंस की कोचिंग कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप चाहे पांचवी बार पढ़ रहे हो या छठी बार पढ़ रहे हो फिजिक्स को, या ग्यारहवीं में आपने पढ़ा होगा, बट इस क्लास की कॉपी अलग से प्रिपेयर करें, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें लिखाऊंगा जो आपकी शायद पुरानी कॉपी में होगी भी नहीं। चलिए, तो कॉपी जरूर डालना, नोट्स प्रिपेयर करना। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, वीडियो जब भी मैं बोलूं उसका स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट लेके उस नोट्स को आप जैसे ही क्लास एंड होती है प्रिपेयर करना, और डाउट अगर आपको पूछ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और मैं आपको बता दूंगा, आप डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट करके मुझे डाउट पूछ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते हैं मापन। मापन क्या होता है, मापन की क्यों जरूरत पड़ी? देखो इधर, अगर हम चलते हैं कहीं पर भी, कि मान लो आप दुकान में गए और आप बोले कि भैया मुझे चीनी दे दो, भैया बोलते हैं कितनी चीनी दूं, तो आप क्या बोलोगे, मुझे दो चीनी दे दो, या मुझे चार तेल दे दो, या बाइक पेट्रोल भरवाने गए बोला मुझे दस पेट्रोल दे दो। अरे दस क्या है, दस पेट्रोल या दस चीनी, या फिर दस आप गुड़ लेके आओ, दस तेल लेके आओ, क्या है दस? दस के आगे पीछे कुछ होना चाहिए जिससे वो परिभाषित हो सके कि आप जो चीज मांग रहे हो उसको किस तरीके से आपको दे। इसलिए जरूरत पड़ी किसकी, मापन की। उस मापन को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एग्जांपल देखना एक बार ध्यान से। मान लो ये एक चेस बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, चेस बोर्ड। चेस सब खेलते होंगे, जिसके अंदर प्यादा होते हैं, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं। आठ लाइनें इधर होगी, आठ लाइनें इधर होगी, क्लियर है? ये आप लोग सबको पता है और आप खेलते भी हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मान लो इसमें जितनी भी है, आठ लाइनें इधर है, आठ खाने और आठ खाने इधर है। इन आठ खानों में एक बेटा है यहाँ पे रमेश, और एक है यहाँ पे सुरेश, क्योंकि रमेश और सुरेश ही चलते हैं ज्यादातर। तो रमेश और सुरेश दोनों क्या है, इधर और इधर बैठे हैं, खेल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे लगा दिए प्यादे, तो प्यादे लगाए तो एक मनमोहन सिंह यहाँ पे, मनमोहन बेटा है यहाँ पे, कौन बेटा है, मनमोहन, मनमोहन नाम का बच्चा है जो यहाँ पे बैठा रहेगा, और वो क्या करेगा, इनको देख रहा होगा। और मनमोहन का एक दोस्त है, उससे ये क्या कर रहा है, फोन पे बातें कर रहा है, एक मोबाइल फोन है, उस फोन पे मनमोहन बातें कर रहा है, और मनमोहन का दोस्त है, कोई सा मैं नाम दे दूं उसको,
उसका नाम दे देता हूँ मैं, राजू। मनमोहन का दोस्त कौन है? राजू। अब क्या हुआ, मनमोहन को इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता, पता किसको है? रमेश को और सुरेश को। रमेश और सुरेश ने क्या किया, प्यादे लगाए। तो इसने इसको फोन पे बोला कि प्यादे नाम की कोई चीज होती है, जो प्यादे नाम की चीज दूसरे वाले खाने के अंदर रख दी गई है। तो उसने क्या लिख दिया, चेस में प्यादे होते हैं और उन प्यादों को दूसरे खाने में रखा जाता है। उसने अपना नियम यहाँ पे लिख दिया। सेम यहाँ पे हाथी लगाया, ऊंट लगाया और घोड़ा लगाया, राजा रानी वजीर सब कुछ यहाँ पे लगा दिया। इसने भी क्या किया, सेम उसी तरीके से प्यादे वगैरह लगा दिए। अब हो क्या रहा है, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना उस बात पे। जैसे ये अगर एक घर चलाता है, ये इसको बोल देता है प्यादा एक घर चलता है और सीधी रेखा में चलेगा। इसने ऊंट चलाया और ऊंट तिरछा चल गया, तो इसने इसको बोला ऊंट हमेशा तिरछा चलता है और इसने लिख दिया ऊंट हमेशा तिरछा चलेगा। फिर क्या हुआ, इस जैसे जैसे इस गेम को ये खेलते गए, वैसे इन्होंने फोन पे कन्वर्जेशन करके अपने नियम बनाते गए। वो जो नियम थे वो इनको पता थे, लेकिन क्या मोहन जो यहाँ पे मनमोहन बच्चा है, वो मनमोहन इस पूरे गेम को सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इनकी जो चालें होगी वो हर बार अलग होगी, क्योंकि हमेशा ये ऊंट को इस तरीके से नहीं चलाएगा, कभी ऊंट को इधर भी तो भगाएगा और कभी यहाँ से इधर आएगा, या फिर अभी इधर यहीं से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। तो जो चाल चलने का तरीका है वो हर बार क्या होगा, परिवर्तित होगा, वो हर बार चेंज होगा। इसलिए मनमोहन और राजू दोनों इस गेम को पूरी तरीके से कभी नहीं सीख पाएंगे। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये जो चला उसको हम इन्होंने क्या कर लिया, नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब ये क्या क्या है, देखो ये जो राजू और सुरेश और ये पूरा चेस बोर्ड था, वो हमारा क्या है, प्रकृति है। क्या है, प्रकृति है। और ये जो मनमोहन है वो कौन है, वो एक साइंटिस्ट है। क्या है, वैज्ञानिक है। और ये वैज्ञानिक क्या कर रहा है, दूसरे वैज्ञानिक को इसके नियम बता रहा है, प्रतिपादित कर रहा है कि ये इस तरीके से होता है, हम लोगों को बता रहे हैं। तो ये प्रकृति के अंदर जो घटनाएं घटित होती है, उन घटित घटनाओं को मनमोहन उठा के हमें बता रहा है या राजू को बता रहा है कि इस तरीके की घटनाएं इस समय पर होती है। क्या हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं इस समय पर होती है और इस प्रकार से घटित होगी। तो प्रकृति जो थी वो हमेशा सेम नहीं रहती है, इसलिए नियम भी बाद में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तित कैसे होते हैं, जैसे क्या हुआ, यहां से प्यादा चला, यहां पहुंचा, इनका प्यादा यहां पहुंचा तो इसने इसको तिरछा काट दिया। अब पहले तो इसने बताया था कि प्यादा हमेशा सीधा चलेगा, लेकिन यहां पे आने के बाद इसने क्या बोल दिया कि प्यादा तिरछा चल रहा है। अगर तिरछा चल रहा है तो तिरछे चले हुए को ये कैसे मान ले, क्योंकि इसने तो बोला था, तुमने बोला प्यादा सीधा चल रहा है, अब तिरछा कैसे चला दे उसको। तो उसने बोला नहीं, चलता सीधा है बट काटता तिरछा है, चलेगा सीधा बट मारेगा कैसे, तिरछा। तिरछा मारेगा मतलब क्या हो गया, राजू को ये नियम के अंदर संशोधन करना पड़ा कि ये तिरछा चलता है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रकृति के अंदर नियम बनते हैं प्रकृति के अनुसार, और प्रकृति में जो परिवर्तन होता है तो नियमों को भी परिवर्तन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं संशोधन। ये है किसके बारे में, भौतिक जगत के बारे में। और मापन की बात करते हैं तो मापन में सबसे पहले आती है भौतिक राशियां। तो अपनी हेडिंग होगी सबसे पहले भौतिक राशियां, हेडिंग लगाइए भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, वे राशियां जिनका उपयोग मापन के लिए किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं,
भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां किसको बोला हमने, जिसका मापन के लिए यूज किया जाता है। तो आपका डाउट होना चाहिए कि सर किसी भी राशि को हम मापन के लिए यूज कर सकते हैं, तो क्या वो भौतिक राशि होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भौतिक राशि का अगर आप उपयोग में ले रहे हो तो वो भौतिक राशि क्या काम कर रही होगी, वो मापन तो कर रही है लेकिन किसी ना किसी एक यूनिवर्सल नियम को फॉलो कर रही है, एक नियम का अनुसरण कर रही है, उस नियम के अनुसार वो परिवर्तित होती रहती है, इसलिए उसका नाम भी रखा है भौतिक राशियां, यानी वो राशि भौतिक जगत के अंदर उपयोग में आ रही है तो उस भौतिक जगत के नियमों का क्या कर रही है, पालन कर रही है। इसलिए भौतिक जो राशियां होती है उन राशियों का एक नाम और भी लिखा जाता है, एक परिभाषा और भी लिखी जाती है कि भौतिक राशियां जो होती है उनको एक नंबर या फिर एक मात्रक दोनों के साथ में दर्शाया जाता है। इन्हें हमेशा लिख लीजिए, इन्हें हमेशा एक नंबर तथा मात्रक के साथ लिखा जाता है। मात्रक का मतलब है कि उसका नाम क्या है, वो किस प्रजाति से है, उस तरीके से। जैसे ये नंबर और मात्रक, अगर मैं बात करूं 10 की तो 10 भौतिक राशि नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ में किलोग्राम लगा दिया तो ये क्या बन जाएगी, भौतिक राशि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भौतिक राशि बन जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से बोला जाता है भौतिक राशियों को। और भौतिक राशियां जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तो लिखिए एक बार इसको, फिर हम चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। अब आता है भौतिक राशियों के प्रकार, और भौतिक राशियों के प्रकार हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस क्लास से जोड़िए ताकि आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में होने वाला है अपना भौतिक राशियों के प्रकार, कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, किस तरीके से उनके मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं, किस तरीके से मात्रक को दर्शाया जाता है, और विमाएं क्या होती है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और आपके लिए क्वेश्चंस बार बार आते रहेंगे, लेके आता रहूंगा, चिंता ना कीजिए।